जब भी कुंडली में राजयोग देखने की बारी आती है तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा सूर्य कैसा है, मेरा मंगल कैसा है, मेरा राहु कैसा है, मेरा केतु कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है, मेरे देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अपन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो समझिए आपके जीवन में किसी भी राजयोग की कमी नहीं है। चंद्रमा से कितने अच्छे राजयोग बनते हैं, चंद्रमा से कितनी ही अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी अच्छी सफलताएं मिलती हैं, कितना अच्छे से व्यक्ति अपने जीवन को दुनिया में रिप्रेजेंट कर पाता है, वह सब चंद्रमा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है कि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को चतुर्थ भाव का हक दिया गया है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, चतुर्थ भाव जो होता है कर्क राशि चंद्रमा का है। चतुर्थ भाव देखा जाए दोस्तों तो माता भूमि भवन वाहन के लिए है, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो वहां से उनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ती है वो हमारे दशम भाव कार्य क्षेत्र पर पड़ती है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। यदि किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अब बहुत ही ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसे बहुत सारी सफलताएं मिलती है, उसको नाम यश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर अक्सर लोग चंद्रमा को भूल जाते हैं, लोग सूर्य देखते हैं, राहु देखते हैं, गुरु देखते हैं, शुक्र देखते हैं, केतु देखते हैं, सबको देख लेते हैं लेकिन चंद्रमा को कहीं ना कहीं साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आपको कैसे अच्छे फल मिल सकते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बुरा भी है, चंद्रमा खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए मैं उसके लिए आपको रेमेडी भी दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित है कि जब चंद्रमा किसी व्यक्ति के लग्न में होता है, प्रथम भाव में जब चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शालीन, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही सही ढंग का डायरेक्शन बहुत देने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है बहुत शालीनता के साथ में, बहुत ही सूझबूझ के साथ में कार्य करता है, उसकी जो मन की स्थिति होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स, जो बंदा डिसीजन लेता है बहुत सही ढंग से डिसीजन लेता है, और जो डिसीजन लेता है उसमें बहुत ही अच्छी ज्यादा वो सफलताएं मिलती है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सौम्य होता है, गोला चेहरा होता है, चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है। यदि व्यक्ति जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है तो, यदि चंद्रमा बुरा होता है तो ठीक इसके विपरीत व्यक्ति अपने निर्णय पे काफी बार बार देखा जाता है कि वो फेल हो जाता है, मन की स्थिति उसकी अशांत रहती है, और कहीं ना कहीं अपने जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय में बहुत ही ज्यादा उदासीन, बहुत ज्यादा अशांत देखने को मिलता है। चंद्रमा दूसरे भाव में देखा जाए दोस्तों कभी भी जल्दी बुरा फल नहीं देते हैं। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में अच्छा होते हैं तो ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि धनवान होता है, धन के माने में उसके पास बहुत सारी संपदाएं होती हैं, परिवार में उसका बहुत अच्छा खासा ख्याति होती है, परिवार से उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है बहुत मधुर होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने घर में धन के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष नहीं करता है, उसको आसानी से बहुत सब कुछ मिलते जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये चंद्रमा यहाँ पे बुरा हो तो परिवार में रिश्ता उसका ठीक नहीं होता है, उसकी वाणी बहुत कटु हो जाती है, धन के मामले में भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उसको सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है ताकि धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों एक ही चीज मालूम है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। यदि चंद्रमा ठीक होता है, चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, चंद्रमा दूध का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, अगर इसी स्थिति में चीजें खराब हो जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में देखा जाता है बहुत ही ज्यादा फेलियर देखता है। ठीक इसके साथ में अगर चंद्रमा तीसरे भाव होता है तो तीसरा भाव हम आपको मालूम है, तीसरा भाव जो होता है भाई बहन साहस पराक्रम का होता है। ये चंद्रमा यहाँ पे अच्छा होता है, भाई बहनों से अच्छा खासा रिलेशन होता है, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और इसके साथ में ही व्यक्ति अपने इसके ऐसे व्यक्तियों के साथ देखा जाए तो बहुत ही अच्छी उनके पास कोई ना कोई कला होती है। ऐसे इस व्यक्ति को जिनके तीसरे भाव चंद्रमा अच्छी होती है बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर एक ऐसी कला विद्यमान होती है, सब गुण विद्यमान होता है जिससे उनको ख्याति मिलती है। ठीक इसके विपरीत ये चंद्रमा यहाँ पे बुरा हो जाते हैं तो चंद्रमा व्यक्ति को भाई बहन से रिलेशन, उसके थॉट में, उसके साहस पराक्रम में कहीं कहीं बहुत सारी कमियां देना शुरू कर देते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अच्छा होते हैं तो दोस्तों आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव
भूमि भवन माता वाहन का शुक्का होता है, शुक्का ग्रह चतुर्भाव या चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास देखा जाए तो मल्टी हाउस होते हैं, अच्छे घर होते हैं, मल्टी वाहन व्हीकल्स होते हैं, माता से रिलेशन बहुत अच्छा होता है, माता का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर जाता है, क्योंकि उसके साथ में चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो उनकी जो सप्तम दृष्टि होती है दशम भाव पर होती है, कार्य क्षेत्र पर होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे कार्य करता है, बहुत ही सौम्य रूप से सारे कार्य को निपटा ले जाता है, कहीं पता भी नहीं चलता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि चंद्रमा यहाँ पर खराब हो जाते हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, तो व्यक्ति का माता से रिलेशन ठीक नहीं होता है, घर के लिए तरसते जाता है, तड़प होती है घर लेने के लिए, लेकिन व्यक्ति घर नहीं ले पाता है, वाहन के लिए व्हीकल के लिए बहुत ही तड़प होती है, लेकिन वो घर नहीं ले पाता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत नहीं होते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे चंद्रमा से बात कर रहा हूँ, तो चंद्रमा के बारे में बता रहा हूँ कि चंद्रमा इस स्थिति में ऐसा होता है, खराब अगर हो जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो व्यक्ति भूमि भवन वाहन माता से रिश्ता माता के स्वास्थ्य के लोग बहुत ही चिंतित रहता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे उच्च और अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि दशम भाव पे होती है, कार्य क्षेत्र पे होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में माता से रिलेशन माता का सुख माता के स्वास्थ्य के सुख भूमि भवन वाहन बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों, शुभ अवस्था में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है, जितने भी विद्यार्थी टॉपर होते हैं अक्सर देखा जाते हैं उनके जो चंद्रमा पंचम भाव के जो चंद्रमा होते हैं काफी अच्छे स्थिति में होते हैं, उच्च की स्थिति में होती है, जो कि पंचम भाव के विद्यार्थी एजुकेशन में टॉप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो प्रेम लाइफ होता है बहुत ही अच्छा होता है, प्रेम का जीवन प्रेमी जो प्रेम का जो होते हैं तो बहुत ही अच्छे साथ में निकलते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पे बुरा हो जाता है तो इस स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति का शिक्षा अधूरी रह जाना, बीच में शिक्षा टूट जाना, शिक्षा सही ढंग से ना हो पाना, एजुकेशन क्षेत्र में विफलता मिलना, प्रेम में उसको धोखा मिलना, ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा जाता है पंचम में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो। तो छठे भाव में चंद्रमा दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है कि छठवें अठवें और बारहवें छह आठ बारहवें भाव में चंद्रमा को ठीक नहीं माना गया है। ये छठवें भाव में चंद्रमा होते हैं तो बहुत सारे इंसान को विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती है। यदि चंद्रमा अच्छे स्थिति में भी होते हैं तो भी कहीं कहीं वो अपना पूर्ण फल पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं। छठवें भाव में देखो तो शत्रुहंता योग बनता है, राहु शनि की दृष्टि हो तो शत्रुहंता योग बनता है, लेकिन उसके साथ में ही फिर भी चंद्रमा का वो प्रभाव नहीं मिल पाता है जो और भावों में मिलता है। तो छठवें भाव में चंद्रमा को वैसे भी ज्योतिष की पुस्तकों में ठीक नहीं कहा गया है, और अक्सर जितने मैंने कुंडलियां देखी है कि छठवें भाव में चंद्रमा है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की, सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छे हैं तो आपको मालूम है आपके पार्टनर का, आपके समाज का, आपके सामने व्यापार का, ये बहुत ही अच्छा घर होता है। अगर चंद्रमा यहाँ की अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी सुंदर मिलती है, व्यापार में सफलता मिलता है। ऐसे व्यक्ति की जब चंद्रमा सप्तम भाव में बैठते हैं तो उनकी जो दृष्टि होती है लग्न पर होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेता है बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेता है और सारे निर्णय में उसको सफलता देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, धनार्जन के क्षेत्र में देखा जाता है। शादी के बाद ही इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा उत्तरोत्तर ये वृद्धि करते हैं। यदि चंद्रमा ठीक इसके विपरीत यहाँ पे अगर खराब हो जाता है तो व्यक्ति को इन सब चीज जो प्रभाव मिलता है अलग प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है, इसके ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है, जहाँ से व्यक्ति मानसिक स्थिति हो जाती है, पारिवारिक टेंशन होता है, समाज में मान सम्मान की कमी होती है, व्यापार क्षेत्र में नुकसान होता है, मन की स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा नर्वस देखने को मिलते हैं। ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में हो तो जैसा मैंने आपको बोला छह आठ बारह में अगर चंद्रमा बैठे होते हैं तो व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है, वो चाहकर भी वो अपना वह परिणाम नहीं दे पाते हैं। जैसा कि कहा जाता है दोस्तों जब चंद्रमा किसी भी भाव में बैठता है तो उसकी ग्रह उसके गुणों को उसके अंदर जो गुण है उसको अवशोषित कर लेता है, उसके हिसाब से फल देता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों ये जब चंद्रमा गुरु के साथ में बैठते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो थोड़ा आप एक एज्यूम करिए कि किसी भी व्यक्ति के पास हाथी जैसी ताकत हो, शेर जैसी चतुराई हो, शेर जैसी एकदम उसके अंदर एक्टिविटी हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या नहीं कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जीवन बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अष्टम भाव में चंद्रमा को बहुत ही अच्छा फल देते हुए नहीं देखा गया है। बात करते हैं नवम भाव में दोस्तों, ये चंद्रमा नवम भाव में हो, अच्छे स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत भाग्य हमेशा साथ करता है, देता है। एक रुपए काम करता है तो दस रुपए का उसका भाग्य सपोर्ट करता है, उसके साथ में पिता से अच्छा खासा रिलेशन होता है, पिता से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन बहुत ही आगे जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत चंद्रमा अगर यहाँ पे अगर खराब स्थिति में हो
तो व्यक्ति का भाग्य सफल नहीं करता है, अथक परिश्रम करने के बाद व्यक्ति को कुछ कम ही रिजल्ट मिलता है। इसके पिता से रिलेशन कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता है। यदि चंद्रमा नवम भाव में बुरे स्थिति में हो, किसी क्रूर भावों से दृष्ट हो, तो इस स्थिति में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक चंद्रमा यदि दशम भाव में हो, तो जैसा आपको विदित है दशम भाव में चंद्रमा अगर बैठ जाते हैं उच्च स्थिति में होकर अच्छे भाव में अच्छे ग्रहों से दृष्ट होके, तो ऐसा व्यक्ति रोजगार के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पे भूमि भवन वाहन सब कुछ निर्माण कर लेता है, क्योंकि दशम भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो उनकी जो सप्तम दृष्टि होती है चतुर्थ भाव में होती है, तो भूमि भवन वाहन घर का सुख माता परिवार सबसे उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, अपने जीवन बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत चंद्रमा अगर इस विषम परिस्थिति में अगर उल्टे हो जाते हैं तो इन सब चीजों के लिए व्यक्ति तरस जाता है, तलब जाता है, अथाह परिश्रम करता है, फिर भी कहते हैं कि एक रुपए काम करता है तो कुछ चवन्नी का लाभ मिलता है, सारी चीजें देखने को मिलती है। चंद्रमा व्यक्ति के दशम भाव में जाएगी खराब होगी। एकादश भाव में चंद्रमा अच्छे बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धनोपार्जन करता है, धन की कमी ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखने को मिली है। जब एकादश भाव में चंद्रमा उच्च अवस्था में अच्छी स्थिति में बैठे होता है, ऐसा व्यक्ति धनागमन करने के लिए लाभ कमाने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनार्जन करता है। और ठीक इसके विपरीत चंद्रमा यहाँ पे बुरे स्थिति में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में धन के लिए पाई पाई के लिए तरसते हुए देखा गया है, क्योंकि जब मन की स्थिति ही नहीं ठीक होगी, चंद्रमा ही खराब हो जाता है, तो व्यक्ति अक्सर लाभ की स्थिति बनते बनते वहां पे वह अपने मन को घुमा लेता है और लाभ की स्थिति उसको हानि में बदल देती है। इसके साथ में दोस्तों यदि चंद्रमा बारहवें भाव में है तो जैसा मैंने बोला कि 6-8-12 में चंद्रमा आज तक बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। ज्योतिष की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जब भी चंद्रमा 6-8-12 में होते हैं तो कहीं कहीं वो अपना पूर्णता प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा एक मन है, मन पे अगर ऐसे तृप्त भाव होगी 6-8-12 में जब चंद्रमा बैठते हैं तो कहीं कहीं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा अच्छे हैं तो आप समझिए कि आप जीवन में कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी आपको बाधा रोक नहीं सकती, सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में बुरे हैं तो उसके लिए दोस्तों मैं आज आपको उपाय दूंगा। यह उपाय आपके जीवन में चंद्रमा कितने भी खराब होंगे, यदि यह उपाय आप सच्चे मन से करेंगे तो यह उपाय आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि का कारण बनेगा और आप अपने जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं कि अक्सर हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करके रुद्राभिषेक करवाते हैं, वैदिक ज्योतिष को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उनसे हम रुद्राभिषेक करवाते हैं और उसके साथ में ही फिर हम भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद हम पूजा पाठ हवन जो करते हैं, जो विधि होती है उसके हिसाब से हम करवाते हैं। तो दोस्तों आज मैं उपाय बता रहा हूँ, यदि चंद्रमा आपका खराब है और उसकी वजह से आपका मन की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, अगर आपके मन के अंदर शक्ति आ गई, मन आपका मजबूत हो गया, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी बंदा रोक नहीं सकता, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप सारा काम करने में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों यह उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, यह उपाय आपके जीवन में आपके मन की स्थिति को, आपके अंतर मन को मजबूत करेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही सारे अच्छे कार्य करेंगे और आपका भाग्य भी आपको साथ देगा। दोस्तों अक्सर लोग सावन में कराते हैं, चतुर्दश में कराते हैं, तो महाशिवरात्रि में कराते हैं, ऐसे लोग रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक का पाठ कराते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप किसी वैदिक ज्योतिषी को बुला सकते हैं, किसी ब्राह्मण पुरोहित को बुला सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं बुला सकते हैं, आप बुलाने में सक्षम नहीं है, तो दोस्तों आप गाय का दूध लेकर आइएगा, किसी भी शिव मंदिर में जाइए, आपके घर पे शिवलिंग हो, शिवलिंग घर में ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि अगर अनूठा के बराबर आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो कोई दोष नहीं होता है, अगर इस उपाय को आप शिव मंदिर में जाके करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा उपाय होगा। तो आप शिव मंदिर में जाइएगा, शिव मंदिर के ऊपर जो घड़ा रखा होता है उसके ऊपर आप उसके अंदर आप दूध भर दीजिएगा, दूध भरने के साथ साथ में मिश्री को पीस दीजिएगा, मिश्री को पीस के उस दूध में डाल दीजिएगा और फिर इसके बाद एक कॉटन उस जो घड़ी के अंदर छेद होता है उस छेद में ऐसा लगाइएगा कि वो धार के साथ में भगवान शिव के ऊपर शिलावर उनका अभिषेक होता रहेगा और घड़े के ऊपर एक आप धागा लपेट दीजिएगा, मौली लपेट लीजिएगा, उस मौली को आप अपने हाथ में लेके भगवान शिव के सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करिएगा, भगवान शिव के सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करिएगा। दोस्तों विश्वास नहीं है, पूर्ण विश्वास मेरा है, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं होंगी वह स्वतः समाप्त होना शुरू हो जाएंगी और आप अपने जीवन में दिन दोना रात चौगुना उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और सभी सफलताओं को आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं
रुद्राभिषेक कोई गन्ने के रस से कराता है, कोई गंगा जल से कराता है, कोई बारिश के जल से कराता है, बहुत तरह से रुद्राभिषेक होता है बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन जो आज मैं आपको यह रेमेडी दे रहा हूँ, यह रेमेडी आपके जीवन में सभी समस्याओं को समाप्त करेगा। यह रेमेडी आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होगी अष्टांग ध्यान करके, प्रदोष के दिन या तो महाशिवरात्रि के दिन या तो सोमवार के दिन या तो श्रावण में, जब आपके अंदर इसकी अंदर से इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे करना चाहिए, तो आप इस विधि के अनुसार आप बैठिएगा, कलश में जल डालिएगा, जल डाल के उस पर मौली लपेटिएगा, उसके अंदर मिश्री पीस के डाल दीजिएगा, और इसके बाद एक कॉटन का आप उस छिद्र के साथ में एक ऐसा सेट कर दीजिएगा ताकि उसका जो अभिषेक हो भगवान शिव के लिंग पर गिरता रहे वो, तो इसके साथ में आपका अभिषेक भी होगा और आप भगवान शिव के शास्त्रार्थ स्त्रोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद यथोच्चार पूजन करके यथाशक्ति भक्ति क्षमा प्रार्थी आप मान लीजिएगा और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पुरोहित को, अपने जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको बुला के उनसे आप यह करवा सकते हैं, आपके जीवन में बहुत ही सारे सफलताओं का कारक बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता है छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।